तो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल नॉन मैट्रिक गेमर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? नहीं पता? तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एक आईडी के ऊपर रिएक्शन, लाइव रिएक्शन। एंड भाई ये आईडी पूरा देखने वाले हम लोग। एंड मैंने आपको आईडी दिखा दिया, आप लोग चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। एंड अच्छा खासा बंदा खेलता है। एंड बंदे ने मतलब 800 बैचेस एक बार परचेस किए थे और मैं आपको पूरा इसका कलेक्शन दिखाने वाला हूँ एंड लाइव रिएक्शन देने वाला हूँ, ठीक है? एक बार 800 बैचेस इसने परचेस किए थे, पता नहीं आप लोग सोच सकते हो एक बैचेस 50 डायमंड नहीं 25 डायमंड पे आता होगा शायद। तो उस हिसाब से अगर सोचोगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा डायमंड इसने वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट किए है, कुछ भी बोलो भाई। उस टाइम को वो रीजनल पे था, रीजनल पे टॉप 100 पे था, 800 बैचेस के साथ परचेस करके ये टॉप 100 पे था। तो बहुत ही अच्छी बात है, आज हम इसका पूरा कलेक्शन देखने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने आपको बहुत सारे पहले ही इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव आईडीज मैंने आपको दिखा दिए जो कि मैजिक क्यूब से इसको मिले थे एंड एलाइट पास से आप इसको मिले थे। एंड ये वाला जो बंडल है, ये बंडल भाई बहुत ही ओपी है। एंड ये वाला तो भाई बहुत ही ओपी कतई जहर बंडल्स हो भाई साहब। ये वाला बंडल देखो, ये वाला बंडल। एंड मैं बहुत स्पीड में दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई पूरा कवर करना है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले ही 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ये आप लोग पूरा वीडियो देखो, ठीक है? एंड बहुत ही ओपी कलेक्शन है इसका। मैं तो भाई मुझे लगता है मैं ही आईडी ले लूँ, ऐसा कुछ सीन है इसका कलेक्शन का। तो भाई कते जहर है। गन कलेक्शन प्लीज देख के जाना, कुछ देखो या ना देखो गन कलेक्शन जो है ना प्लीज देख के जाना, कते जहर है, कते जहर। तो ये वाला बंडल भाई इंक्लूबेटर का बहुत ही पहला बहुत ही वो भी बंडल है, ये भी इंक्लूबेटर, ये डीजे आलोक का बंडल, ये डायमंड रॉयल का, ये एक इवेंट पे आया था। तो ये भाई सारे के सारे, मतलब अगर ये बंदा फर्स्ट से खेलता होता ना तो इसके पास सब बंडल्स होते, सब बंडल्स मेरे ख्याल से। ये बंडल देखो, ये बंडल क्लासिक जैज बंडल, सब बंडल है इसके पास, सब के सब। सोचो भाई सोचो, ब्लैक सूट बंडल भाई ओपी है, ओपी दी सूट बंडल भाई। देखो इधर कितना ओपी बंडल है, मुझे अभी भी पसंद है ये बंडल। एंड ये वाला बंडल किस किस को पता है भाई, ये वाला बंडल किस किस को ये वाला बंडल याद है मुझे बताओ भाई। इतना रेयर बंडल है ना ये, बहुत कते जहर बंडल है ये, तो भाई बहुत ही रेयर लगता है मुझे ये बंडल। तो आप लोगों को भाई मुझे बताना किसने ये बंडल देखा नहीं है कभी भी, मुझे ज़रूर बताना। एंड लेजेंडरी आउटफिट मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। अगर आपको नहीं पता लेजेंडरी आउटफिट क्या है तो मैं ज़रूर बताऊँगा, तो देखते रहो वीडियो को। एंड बहुत सारे मैंने मेल्स बंडल आपको बहुत ज़्यादा दिखा दिए, बहुत स्पीड में दिखाया होगा इसलिए कम लग रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा मेल बंडल्स हैं। नेक्स्ट हमारा बंडल हम फीमेल का भी दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओह तो ये देखो भाई पैंट, ओ भाई मारो भाई, सब कुछ है इसके पास सब कुछ। भाई आप लोग मुझे बताओ इस आईडी को हम अगर सेल करेंगे तो ये किस, मतलब अगर ये सेल करता है कभी तो किस प्राइस पे इसको सेल करना चाहिए, ठीक है? तो भाई जोकर बंडल तो भाई मुझे अभी तक सबसे बेस्ट एंड सबसे टॉप बंडल है जोकर वाला बंडल। तो और ये वाला दाढ़ी भी बहुत ही ओपी लगता है मुझे, तो आप लोग मुझे बताओ कैसा लग रहा है ये दाढ़ी। एंड भाई बहुत ही कते जहर लगा मुझे ये वाला। अब मैं इसका एक अच्छा सा कॉम्बो बनाता हूँ, ये वाला पैंट, नहीं नहीं ये वाला नहीं, नीचे नहीं, हाँ ये वाला, हाँ बहुत ओपी लग रहा है ये। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला पैंट मुझे ज़रूर बताना है, ये वाला कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको पूरा फीमेल का कलेक्शन दिखाऊंगा, थोड़ा सा फास्ट में दिखाऊंगा ताकि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो फीमेल वाले में, ठीक है? और मैं आपको पूरा कलेक्शन दिखाऊंगा उसी के साथ साथ गन कलेक्शन। भाई कते जहर गन कलेक्शन मैंने देखा इसका। एंड भाई बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने इसने जो है गेम पे इन्वेस्ट किए हैं, तो नेक्स्ट लेवल भाई समझ लो। ये जो लेजेंडरी आउटफिट है मैं आपको इस जब ये वाला बंडल दिखाने हो जाएंगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आपने देखा मिस्ट्री शॉप्स के बंडल, ये देखो मिस्ट्री शॉप का बंडल भाई, ये वाला बंडल, ये वाला बंडल, सब लाइट बस के बंडल, ओपी बंडल, ओपी बंडल से भाई ये डायमंड वाला का बंडल भाई बहुत ही ओपी है बंडल। ये बंडल तो भाई अभी का लाइट पास है। एंड ये वाला बंडल, ये वाला बंडल, ये बंडल, ये बंडल, ओ भाई ये वाला बंडल किस किस को याद है, मिस्ट्री शॉप में आया था ये, ये वाला मिस्ट्री शॉप का बंडल ओपी भाई, भाई साहब ये वाला बंडल, ये वाला बंडल, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये मतलब भाई बंदे के पास सब कुछ है, सब कुछ, बट फिर भी ये नूब जैसे घूमता है भाई। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा इसका कलेक्शन है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड गेम पे इसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, आप लोग सोच लो, आप लोग कलेक्शन देख के ही सोच सकते हो, ठीक है? एंड ऐसा अगर ऐसा होता कि पहले से ये खेल रहा है फर्स्ट सीजन से, तो मैं श्योर हूँ कि एक हर एक बंडल लेता जो कि आया है गेम में। हिप हॉप बंडल
सकुड़ा बंडल, बट ये नहीं खेल रहा फर्स्ट से, तो इसलिए इसके उसके पास वो वाले बंडल्स नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लेजेंडरी आउटफिट। तो लेजेंडरी आउटफिट आप लोग खुद देख सकते हो, ये है लेजेंडरी आउटफिट जो कि गेम में एक लौता आउटफिट है जो कि एवोल्यूशन होता है, इन गेम एवोल्यूशन होता है। अगर आप किल करोगे ना तो ये एवोल्यूट होगा, जैसा कि आप लोग इधर देख पा रहे हो। आप लोग देखो भाई, जो हेयर है वो ग्लो हो रहा है, एंड इसी के साथ अगर भाई कतई जहर है इसका, देखो लेवल अप हो गया, लेवल 1 है ये, लेवल 2 है ये, लेवल 3 है ये। लेवल 3 में तो कतई जहर दिखता है ये बंडल। तो ये बंडल एक लौता लेजेंडरी बंडल है इन गेम का, जो कि बहुत ज़्यादा डायमंड इसने जो इसके ऊपर स्पेंड किए थे फिर से मिला है। ये बहुत ही कम बंदों को मिला था, सिर्फ 10% बंदों को मिला था, एंड ये उस 10% बंदों में से है जिसको ये बंडल मिला था। ठीक है, एंड इसके लिए इसने बहुत ज़्यादा डायमंड स्पेंड किए होंगे, क्योंकि इसका मिलना बहुत ज़्यादा टफ था। एक रॉयल में आया था ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल मिला था ये। एंड यहाँ पर आप सारे के सारे बैनर्स, अवाटर्स एंड लूट बॉक्सेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा था, ये जो है ना, अगर फर्स्ट से खेलता होता ना तो इसके पास सब कुछ होता मेरे ख्याल से भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। हिप हॉप बंडल सारे के सारे लाइट पास होते जब तक फर्स्ट से आया हुए है, मैंने श्योर हूँ ये वाली बात में। तो और ये हमारे गिल्ड का बहुत ही पुराना मेम्बर है, बहुत ही ओपी है, हमारे फर्स्ट से है ये हमारे गिल्ड में, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, घमंड नहीं है। तो ये दैट्स इट। और आप लोग इमोट का कलेक्शन देख सकते हो, एंड व्हीकल का कलेक्शन आप लोग देख सकते हो, गोल्डन मर्क्यूरी क्या बोलते हैं ये भी है, एंड ये वाला है पम्पकिन मॉन्स्टर एंड ऑटो का स्किन, एंड ये वाला स्किन बहुत ही कतई जहर स्किन। एंड वेपन, वेपन में आते हैं भाई, अब जो मेन चीज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फर्स्ट M4A1 के 4 स्किन्स परमानेंट पूरे के पूरे, AWM के 5 स्किन्स पूरे के पूरे परमानेंट, M1014 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्किन्स भाई, जो मेन M1014 से ना सब कुछ इसके पास परमानेंट है। ड्रैगन AK परमानेंट, OMG भाई, UMP के 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्किन्स, MP5 के 2 स्किन्स, Z18 का स्किन, M14 का स्किन, भाई साहब भाई M14 के 4 परमानेंट स्किन्स भाई। स्कार का बात है, टाइटन स्कार की जो सीरीज है उसमें ये स्कार था, एंड ये वाला बहुत ही ज़्यादा रेयर स्कार है। टाइटन स्कार के साथ ये वाला स्कार आया हुआ था, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये रेयर स्कार है, एंड बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर। एंड इसके बाद क्यूपिड स्कार भी परमानेंट है भाई, सोच लो भाई कितना मतलब ये तो स्कार से अगर वो और किया चाहिए भाई। टाइटन स्कार के साथ सीरीज का एक स्कार है इसके पास भाई, ओपी है, ओपी। और बात करते हैं VSS की, 2 है, रोजा के 3 स्किन्स, MP40 गाइस, MP40 के मैकेनिकल MP40, न्यू ईयर MP40, लाइटनिंग MP40 एंड भाई वैम्पायर MP40, कार्निवल MP40 जो भी है। तो 4 स्किन्स लेजेंडरी परमानेंट, एक और नॉर्मल स्किन परमानेंट, पैरंग का एक स्किन, SKS के 3 स्किन, M249 का स्किन, कार98 के 3 स्किन, मैंने ये स्किन देखा भी नहीं आज तक भाई, सीरियसली भाई। क्रॉसबो का एक स्किन, OMG, M79 के 3 स्किन्स, फेमस के ब्लडी मून फेमस परमानेंट, OMG, वो भाई साहब भाई, फेमस के 5 स्किन्स भाई, कतई जहर कलेक्शन इसका। और XM8 के 5 स्किन्स, OMG, स्पास बार के देखते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओ भाई 8 स्किन्स, M60 के 3, 4, 5, 6, 7, 7, ओ भाई साहब 8, वो भाई 8 स्किन्स M60 के भाई, कतई जहर है। MGL140 के भाई स्किन्स, P90 के स्किन्स, A94 के स्किन्स, कटाना के 2 लेजेंडरी स्किन्स, ये वाला कटाना का सबसे ज़्यादा रेयर कटाना है आज तक का गेम में भाई, और क्या चाहिए भाई एक बंदे को भाई, सोच लो भाई कितना ज़्यादा इसने पैसे उड़ाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं गेम के अंदर, तो आप लोग सोच सकते हो। ग्रेनेड के 1 स्किन, ठीक है, 2 स्किन, 3 स्किन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाई, 11, 13, 14 स्किन्स भाई, ग्रेनेड के 14 स्किन्स, OMG, ग्लो वॉल के 3 स्किन्स, ओ माई गॉड भाई, भाई कतई जहर कलेक्शन लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कैसा कलेक्शन, ऐसे कलेक्शन वीडियोस और देखने हैं क्या लाइव रिएक्शन के साथ, सो कमेंट मी डाउन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, यो, तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ में। तो हम
तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, पीस, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ।